हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप सब लोग अच्छे ही रहें। तो अभी टाइम हो रहा है रात के, बज रहे होंगे 6:30 या 6 बज रहे होंगे। तो हमारे यहाँ एक डॉगी है, बस उसी को मैं रोटी खिला रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं डेली उसे रोटी देती हूँ सुबह और शाम। इसके 4 बच्चे हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को अभी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे इसके, वैसे भी छोटे छोटे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसको खाना रोटी खाने देते हैं और फिर हम भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो आज खाने में क्या बना है? आज जो एक सब्ज़ी बनी है, मुझे याद भी नहीं है क्या सब्ज़ी बनी है, समझ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो मैंने बनाई है सब्ज़ी और उसके बाद गेहूं की रोटी। रात को तो गेहूं की रोटी बनाते हैं ज़्यादातर, जब बाजरे की रोटी खानी होती है ना तो सुबह के टाइम खाते हैं। सुबह के टाइम हम चूल्हे पे बनाते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से खाना खाते जा रहे हैं। और आज हमने चिप्स सेके थे, जो होते हैं आलू वाले वेफर, वो हमने बनाए थे, तो वही हमने सेके थे। तो सब्ज़ी सूखी सूखी हो गई, तो ये बोल रहे थे कि सूखी सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। तो मैंने कहा तो आज खा लो, कल सुबह पानी वाली बना देंगे। तो उनका ठीक है। और क्या होता, वैसे तो सुबह चूल्हे पर ही खाना बनता, रात को मैं गैस पे बना लेती हूँ कि चूल्हा छत पे रखा है, नीचे रखने की कोई जगह है नहीं इसलिए। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं और मेरे ससुर जी खाना पहले ही खा लेते हैं, और हम 3 लोग हैं अभी यहाँ पर, तो हम बाद में खाना खाते हैं। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे पति हैं। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मम्मी ने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, तो क्योंकि पानी सुबह चाहिए होता है भैंस के लिए, जो बांट बनता है उसके लिए भी चाहिए होता है, और हम लोग नहाते धोते उसके लिए भी चाहिए होता है। तो ज़्यादातर मैं पानी गर्म इसी रॉड से लगता है हमारे यहाँ, और गांव में ऐसे इसी से ही लगता है। गांव के लोग हैं वो इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, 150 या 200 रुपए की आती है, और इससे अच्छे से पानी गर्म भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और गैस पे हमारी गैस बहुत ज़्यादा जलती है, इसलिए हम गैस का पानी गर्म करने के लिए कभी यूज़ नहीं करते हैं। या तो चूल्हे पर करेंगे लाइट ना हो, या फिर इसी रॉड से करते हैं। तो चलिए पानी को मैं ले जाती हूँ, पानी के बाद फिर मैं अपने बिस्तर गरी करूँगी, क्योंकि मैं तो जाग चुकी हूँ और ये भी जाग चुके, बैठे बैठे फ़ोन चला रहे थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने कपड़े गरी करने के लिए। तो फ्रेंड, मैं जल्दी जल्दी से कपड़े कर देती हूँ घरी, फिर मुझे चाय बनाने के लिए भी जाना है, क्योंकि सबसे पहले मैं जाकर कपड़े गरी करके घर का सारा काम बाकी बाद में करती हूँ, सुबह चाय पीती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ का बिस्तर गरी कर देती हूँ। तो देख लीजिए, गांव में ऐसे ही सोना पड़ता है भैया, रोज़ खटिया बिछानी पड़ती है, रोज़ उठानी पड़ती है। शहर की तरह नहीं है कि बेड बिछा हुआ बेड से, शहर में बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, एक बेडरूम होता है उसमें बेड बिछा हुआ तो होता है, रोज़ रोज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गाँव तो भैया कहते ना कि गाँव में सुविधा भी नहीं है, तो बस ऐसे ही मैं रोज़ इसी तरीके से काम चलाती हूँ। और मेरे हस्बैंड बेड पर लेट गए थे, ये बेड टूटा हुआ है इसलिए हम इस पर नहीं लेटते हैं, इसलिए हम खटिया पे सोते हैं। फ्रेंड वो फिर से सो गए थे, तो मैंने कहा ठंड का टाइम है, गांव में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं ना उस जगह दोनों साइड खेत हैं हमारे, मतलब पीछे पीछे आजू बाजू में खेत हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने इनको बिस्तर मतलब रजाई उड़ा दिया, और उसके बाद मैं जा रही हूँ सब्ज़ी निकालने के लिए। मैंने कहा सब्ज़ी पहले कट करके रख दूँगी और दूध निकाल लेती हूँ चाय बनाने के लिए। तो लेती हूँ मैं दूध, जो गरम नहीं किया था कल गरम नहीं किया था, तो इसी तरीके से लोटे में फ्रिज में रख दिया था मम्मी ने, तो फ्रिज में ख़राब नहीं होता। तो दूध तो मैंने निकाल के रख दिया है, लेकिन दूध थोड़ा कम था, तो मैंने कहा दूध आ जाएगा ना तब मैं चाय बनाऊँगी। फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई, ये अंदर वाला रूम है, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम में हो जाते हैं, तो ये सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों के समय में इसी तरीके से होता है सब कुछ, धीरे 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 करते करते मतलब शाम हो जाती है काम, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। तो
तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये है बाहर का साइड, यहाँ से ये दरवाज़ा, मतलब कमरे में दरवाज़ा भी नहीं लगा है, मतलब गेट नहीं लगा है, बिना गेट का बना, बस बन गया है, गेट वेट कुछ भी नहीं लगा। आप लोग खुद अपने आंखों से देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि बहुत इंसान, हाँ मानती हूँ मैं कि 100 में से कोई, मतलब 50% लोग फेंकते हैं, मतलब कुछ बताते हैं, कुछ होता है, कुछ दिखाते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो मैं सामने आप लोगों को दिखा रही, इसमें दरवाज़ा नहीं है, मैं ऐसे ही झूठ मूठ नहीं बोलती आप लोगों से, ठीक है। और ये है किचन, तो मैं फटाफट से किचन में भी झाड़ू लगा लेती हूँ, और किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं एक हॉल और है, बस इतना ही बना है, इतने में ही सब कुछ है, जो भी आप समझ लो, हॉल बेडरूम सब कुछ यही है जो है सो। तो चलिए फटाफट से मैं किचन से झाड़ू लगाते हुए, और यहाँ पर जो आपको ये बीच का चौक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ही नहाते धोते हैं और यहीं पर बर्तन भी धुल लेते हैं, तो जैसा है हम उसी में गुजर कर रहे हैं। बस आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए और कुछ हमारा भी भला हो जाए। और सच बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती कि सिर्फ मेरा भला हो, मैं बहुत लोग, मतलब कुछ लोग और भी हैं, मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ, तो अभी तो मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसकी मदद करूँ, अभी तो मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। तो चलिए, ये है बाहर का कमरा, तो जिसमें जो कि कच्चा है, अभी पक्का भी नहीं है। तो चलिए, मम्मी भर रही थी पानी, तो मम्मी को पानी भरने देते, सुबह सुबह सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और मैं यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पहुँच जाऊँगी किचन में चाय बनाने के लिए, और ये अभी सो ही रहे हैं, ये टमटम लेके जाते हैं, लेकिन ये जाएंगे 8 बजे, और अभी बज रहे हैं 6:30 या 7 बज रहे होंगे, ये 7:30 बजे तक जागेंगे, बस नहा धो के चाय पी के नाश्ता करके अपनी टमटम लेके चले जाएंगे, फिर आएंगे 12 बजे या फिर 1 बजे, तब तक हमारा खाना रेडी हो चुका होता है, तो खाना खा पी के फिर पापा ले जाते टमटम। इसी तरीके से सारे काम बटे हुए हैं कि किसको क्या काम करने हैं, तो मतलब बटे हुए नहीं है, लेकिन जिसको जो काम दिखता है वो कर लेते हैं, तो जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती। यहाँ पे सब जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो मैं उनको अच्छे से पहले निकाल के रख देती हूँ, मतलब उसको झाड़ झाड़ के रख देती हूँ, जैसे कि मिट्टी चिपकी होती है ना, वो यहीं पे झाड़ू में आ जाएगी ना, वरना बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो चलिए, बाहर तो मम्मी झाड़ू लगाएंगी, मैं बस यहीं पर कचरा इकट्ठा करके सुपड़ी में भर के और बाहर जो कचरा दानी है उसमें डाल दूँगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हो, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आपके एक सब्सक्राइबर एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैंने ले लिया है दूध, और दूध में मैं डालूँगी चीनी, और चीनी नहीं डालूँगी, पहले मैं डालूँगी चाय पत्ती और अदरक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो मैं चीनी बाद में डालूँगी 1 कप चाय निकालने के बाद। तो चलिए गैस को चालू करते हैं, और ये गैस वो वाली है जो उज्ज्वल योजना की तरफ से चली थी, तो ये मेरी सासू माँ को मिली थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहती नहीं थी, मैं अभी रहने के लिए आई हूँ, तो मैं इसी गैस का यूज़ करती हूँ। तो जितने भी मसाले वसाले के डब्बे नीचे रखे हुए थे, क्योंकि रात में क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी काम करके बस ख़त्म करने की सोचते हैं, तो मसाले के डिब्बे यहीं भूल गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो इनको जगह पर रख देती हूँ जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है। फ्रेंड, मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चीनी नहीं डालूंगी, कभी कभी तो अदरक ख़त्म हो जाता है, तो हम बिना अदरक के ही चाय बना लेते, क्योंकि अदरक बहुत महंगा चल रहा है अभी, इसलिए। तो चलिए चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि चाय, और जिस जिसको चाय पीनी है तो आ जाइए, चाय हमारे यहाँ 2 बार बनती है, एक सुबह बनती है, एक शाम को 3 या 4 बजे बनती है, अभी सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है इसलिए। तो ये देख लीजिए, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे वो वीडियो, मतलब फ़ोन देख रहे थे और फ़ोन में डांस भी करते जा रहे थे, तो मैं उनके ही वीडियो में, मतलब उनका वीडियो ले लिया, फिर मेरा भी मन कर गया डांस करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ मटकने लगी। तो आप लोग भी बने रहिए, वीडियो देखते रहिए।
हम लोगों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।